नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर द सोर्स इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ऑब्जर्वर विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन एज शोन इन द फिगर. सवाल है ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर और हमें दिया हुआ है हमें बताना है आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी और हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है उसको 30 डिग्री ले सकते हैं. अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल है. यहाँ पे बात अपने को पता है कि ये अपना जो सोर्स एस है और मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर ओ है. अगर ये किसी थीटा एंगल पे इधर जा रहा है ये आपकी वेलोसिटी ऑफ सोर्स है. सो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी ऑफ सोर्स इफेक्टिव होएगी वी एस कॉस थीटा इसको हम यूज़ कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं अपना डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाय एफ. ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम यहाँ पे. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आपकी जीरो होगी बिकॉज ये आपका रेस्ट पे है. वी एस की वैल्यू यहाँ वी एस कॉस थीटा हो जाएगी. सो डायरेक्ट डेटा रख के अपना आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी 330 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 330 माइनस जो अपने को है वेलोसिटी दी हुई है वो है 19.4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30. कॉस 30 की वैल्यू होती है हाफ. सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय 100 हर्ट्स अपनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है. सो 330 में से जब हम इसको 19.4 का हाफ करेंगे ये आएगा 9.7. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ डैश हो जाएगा आपका 330 डिवाइडेड बाय ये आएगा 9.7. सो 330 माइनस 9.7 ये बनेगा आपका 320.3 मल्टीप्लाइड बाय 100. अगेन ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम हॉल में करनी पड़ेगी. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 100 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी. राइट. सो इसकी जो वैल्यू आएगी एफ डैश वो आएगी 103 हर्ट्ज़. ये आपकी एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 103 हर्ट्ज़ वुड बी द राइट आंसर.